अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे, उम्मीद करते हो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ जी, तो क्या हो रहा है जनाब? जी, सिलेंडर खत्म हो गया है और आटा भी खत्म है। वाह 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 वाह, बड़ी गुड न्यूज़ दी आपने। जी, अब आपने सिलेंडर भरवाना है और आटा आटा मतलब जो गंदम है वो आपने चक्की पे देख के आनी है ताकि आटा पीस दे। सुबह सुबह का टाइम है, चलें फिर मैं आपका पहले ये काम कर देता हूँ, बाकी के काम बाद में। हमारे साथ अक्सर मतलब ऐसे होता है, सुबह के टाइम ही जो है ना वो सिलेंडर खत्म हो जाता है। हम नाश्ता बनाना होता है तो बड़ी मुश्किल होती है। चले ठीक है, मैं जाता हूँ अभी। सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। जी सुबह सुबह का टाइम है और काफ़ी अरसे बाद सुबह सुबह यहाँ पे मैं आया हूँ, तो यहाँ पे सूरत हाल कुछ यूँ है। अम्मी वाले चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन मैं काफ़ी अरसे बाद आया हूँ, वो भी गंदम लेने के लिए। अभी यहाँ से गंदम निकालेंगे, इसमें भरेंगे और चक्की पर दे के आएँगे, निकालते हैं। इतना वैसे हमारे लिए काफ़ी होता है, हम दो तो जने, बच्चे तो बेचारे छोटे हैं, वो इतना खाते भी नहीं हैं। इसमें से किस चीज़ के साथ डालें यार, घर से कुछ ले के आना पड़ेगा। मिल गया जी, इससे डालेंगे, इससे सही डाल जाएगा, छोटा सा और यही भी काम हो जाएगा अपना। चलो जी, किधर गया अपना वो, ये पड़ा है। चले जी, इसे हम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह माय गॉड, शादी के कपड़े सिल सिल के आई जा रहे हैं फिर आना। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सब कैसे? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, जहाँ तेरे खुश रहे, आवाज है, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ढेर सारी खुशियाँ बांटते रहे। मैं डस्टबिन का सोच रही थी, कहाँ रखूँ? दो मंगवाई थी मैंने पापा से, मैंने कहा एक रूम के लिए और एक टी वी लाउंज में रख देती हूँ, क्योंकि ये वाली तो खराब हो गई है, इसको हम रखेंगे यहाँ पे इस जगह पे, ताकि दोनों रूम का अगर कचरा भी हो थोड़ा बहुत तो वो भी इसी में चला जाए, टीवी लाउंज वाला भी सारा कचरा इसी में चला जाए। और अम्मी आप कैसी हैं? ठीक है। हाँ। सही, तो ये कपड़े सिल सिल के आ रहे हैं फिर हैं शादी में। हाँ, ये सारे आलू भाई के हैं। अच्छा, तेरे पापा के तीनों के। सही, जबरदस्त, माशाल्लाह गाइस। ये अब आपको दिखाएंगे हम ये शादी पे ही, ऐसे मैं भी नहीं भाई पहले दिखाऊंगा, लेडीज नहीं दिखाती तो मैं क्यों दिखाऊं? ऐसी चले सही है। मैंने वो गंदम वगैरह डाल ली है, फिर मैं चलता हूँ, है ना? मम्मा कम डाली, वो इस वजह से दो यूज ही नहीं करते, सुसरी डाल देते। हाँ जी, इसलिए इस दफा मैंने वो बोरा ही छोटे वाला दिया जी, वो टोटल 25 किलो का होता है, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 किलो डाल दिया। हाँ यार, वो बाकी बड़े टेस्टी है, सीरियसली रियली। हाँ वहाँ पे गरम गरम, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कल इंशाल्लाह जब भी कहो। और वो 50 का एक समोसा देते हैं मेरे ख्याल में, 100 की एक प्लेट है जिसमें दो समोसे भरा हुआ रायता होता है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजे का। बाकी हम जितने लोग हैं उतने समोसे खाएंगे। चले सही है, कल चले, हमारा पेट रामीन को भी साथ लेके आना। चले डन हो गया मम्मा जान, डन हो गया, डन 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 डन। जब 12 बजे आ गए ना वो जी, ठीक है, फिर उसके बाद ले चलेंगे। चलिए ठीक है, काम जो मन जमेरात। हाँ जमेरात है, कोई नहीं, जब भी जाए हमारा अपना। हाँ जी, अपना वतन। सर ये अच्छा छुपाने के लिए जा रही हो ना? ये सब कपड़े रख दूंगी ना एक जगह पे सब, और पापा फरनाइल भी लेकर आए हैं, और क्योंकि बैग में रखूंगी तो फिर भी लाजमी है कि उसके अंदर फरनाइल डाल देंगे तो ज्यादा बेस्ट है। चले ठीक है मम्मा, मैं चलता हूँ फिर। हाँ ये क्या रेल? अच्छा बस मम्मा, वो जेन इस तरह का, वाओ ग्रेट, मम्मा भूल जाता हूँ मैं चीजें, है ना, भलक्कड़ हूँ थोड़ा सा, ग्राम ना जाना सही।
चलें। एक काम भूल गया मेरे खरगोशों का सेब वगैरह। अच्छा हाँ जी, ये भी मम्मा जाता हुआ मैं डाल देता हूँ। ये भी डाल दे, भूल जाता है मम्मा। ये खा लेते हैं? हाँ हाँ खाते हैं, वो सब कुछ ही खा लेता तकरीबन। अच्छा? सब्जियाँ वगैरह, फल, रोटी, सब्जियाँ, फल, घास खा लेते हैं। वाह, फिर तो जबरदस्त। चले मैं डाल देता हूँ, मम्मी जाता हुआ। ये ले जी, पूरा दिन गुजर गया और सिलेंडर भी ले आया हूँ मैं। बिस्मिल्लाह, सिलेंडर, सिलेंडर की भी ऐसी पैसी पड़ी है, कितना गंदा हुआ मैं। चलें जी, पूरा दिन गुजरने के बाद सिलेंडर भी लग गया अपनी जगह पे, सुबह को खत्म हुआ था और आटा भी आ गया, पीस के आ गया चक्की से। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, जब ये खत्म हो जाते हैं तो मन ही टेंशन होती है। चलें जी, अब शाम हो गई है, खाना शाना हमने खा पी लिया था, हर चीज़ कर ली है। अब शाम का टाइम हो गया तकरीबन, कोई 5 से शायद ऊपर का टाइम हो, तो अभी हम चाय शाय पियेंगे ना, चाय पियेंगे। ये आज आटा आपका कितने स्पेशल बोरे में आया फिर? हाँ जी, स्पेशल में आया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम है आप कह रहे हैं ज़्यादा है। नहीं, काफ़ी है यार, वो जो चार पहिए है ना वो ऊपर रख के आनी है यार। हाँ जी, और आज भी मैं काम कर रहा था, मुझे ना बार बार उसकी तरफ ही नज़र जाई जा रही थी, मैंने कहा ये क्या पड़ा है, फिर जेन में आता है कि चार पहिए है जी, वो ना मुझे सिखावे देती है। भी काके चलो चल के दिखाओ फिर। आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लो चीज, चीज चीजी ले लो चीजी। अभी इसको चलने नहीं आता ना इस पे, है ना। ओए 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 जाएगा। ओ ओ गया, ओ ओ किधर जाएगा यार। ओ ओ अजाने हो रही है, बोलना नहीं बचा। वो गंदा आ, ओ, ओ, ओ गया, उल्टा ही चलता है, डर जाता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ आ आ आ आ आ आ। वही पुराने दिन, वही सारी चीजें, लेकिन हमने टेस्ट थोड़ा सा चेंज कर लिया है रियो, लेकिन महंगाई हो गई है। रियो बिस्किट 20 रुपए में पहले इतना बड़ा आ जाता था, अब 20 रुपए में छोटा सा आता है। तो रियो बिस्किट साथ में चाय, आए हाय आए हाय आए हाय। लेकिन एक चीज़ है कि लाइट नहीं दे रहा। ओए होए ओए होए ओए, अभी आ जाएगी लाइट। हाँ जी, किधर तक पहुंच गई हमारी चाय? बस बनने वाली। 5 मिनट? 5 मिनट से भी कम। वाओ, अच्छा तो यार लाइट तो आ ही नहीं रही यार, वो पंखा लगा ही नहीं, मैं ऐसे इधर उधर जा रहा हूँ। लाइट आ रही है बस, कितना देर हो गया। लाइट आए तो कोई बात बने, जैसे जैसे सर्दियाँ आती रहेंगी अगर लाइट ना हो तो फुल अंधेरा। हमारा घर तो इस तरह का है, अभी इतना अभी आ रहा है कि इतना टाइम नहीं हुआ शाम का, अच्छी खासी बाहर धूप निकली हुई, लेकिन उसके बावजूद भी देखे फुल घर में अंधेरा चल रहा है लाइट के बगैर। लेकिन कैमरा में इतना अंधेरा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने इसकी टॉर्च ऑन की, वो देखो पीछे मेरा साया नजर आ रहा है ना, वो देखो। ये देखिएगा, आज हो गया था अंधेरा, काम करते करते हम बहुत ज़्यादा वो अंधेरा हो गया था बाहर, तो जिस दिन अंधेरा इस तरह से हो जाता है उस दिन हम ना रूम के अंदर ही रिंग लाइट रख के बेड पे बैठ के सुकून से वीडियोस बनाते हैं। हाँ जी, तो हम ना एक थोड़ी छोटी सी काविश कर रहे हैं, हमारे जितने भी बहन भाई या कोई इस तरह के ज़रूरतमंद लोग हैं ना, उनके लिए स्नैक्स हैं, उनको हम जमा कर रहे हैं अपने YouTube चैनल पे, और YouTube चैनल पे जब वो आएंगे तो उनके लिए एक छोटी सी एफर्ट कर रहे हैं। तो आप सब भी हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, स्पेशली उन सब के लिए ज़रूर कीजिएगा जिनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए पड़े हैं, स्पेशली जो उनसे लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। अगर सैलाब से मुतासिर भी हुए हैं ये मानते हैं हम, लेकिन उनके अलावा भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनका घर चलना बहुत मुश्किल है ना फरत आज के दौर में, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इन्फ्लुएंसर्स का इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है, तो हम एक छोटी सी काविश कर रहे हैं, उसमें ये होगा कि स्पेशली हम एक अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, पहले हम सारा अपना सेटअप सिस्टम बना लें,
एक तो साथ वाले घर में काम हो रहा है। अच्छा उसमें सेटअप सिस्टम इस तरह से बनाएंगे, जो कुछ भी होगा ना हम दूसरे यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं करेंगे कि भाई कुछ कुछ भी हम ऑफलाइन नहीं करेंगे, जो कुछ भी करेंगे ऑनलाइन करेंगे। एक मिसाल के तौर पे फंड्स हम जमा करते हैं तो उसको जो उनसे लोगों को भी हम देंगे ना, तो ये बाकी डिपेंड करता है कि जहाँ जहाँ से हम फंड जमा करते हैं उन पर डिपेंड करता है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो कह देंगे कि भाई हमें नहीं ज़रूरत के, हमें इस चीज़ के लिए ज़रूरत के आपने हमारे फंड्स कहाँ पे दिए, तो फिर हम उनका नहीं हम शो करवाएंगे, ठीक है। तो लेकिन हमारी अपनी तरफ से यही एफर्ट्स है कि यार हम ना जो कुछ हम जो कुछ भी करें लाइव ही करें, फंड्स लाइव लें और लाइव दें जी। इस तरह का हम सिस्टम बना रहे हैं, आप सब दुआ ज़रूर कीजिएगा। बच्चा हमारा उठ गया जी, बच्चे को तो करवाना पड़ना है क्योंकि इसमें शोर हो रहा है ना, इसलिए इसको उठ गया। चलें ठीक है गाइस, इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।